ये विनाइल है, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रफ बन नहीं सकती। ये बिल्कुल जिस तरह विकेट पे बॉल आता है ना नॉर्मल रिजल्टेंस है ये। हाँ, ये हमने ये किया ना कि हमें अब जैसे जिस विकेट पे ग्रास नहीं होता तो एसी दिखती है नॉर्मली ना, तो ये विनाइल कहलाती है। विनाइल कहलाती है। ये हमने 99 पे लगाई हुई है। सही है, सही है। लेकिन ये लाइट जब ग्रीन होगी ना तो फिर ये रेडी हो जाएगी। चले आप मैं कह रहा हूँ भाई, मैसेज जमाई भी है यहाँ पे फखर धवन ने, और कराची से भी मेहमान आ रहे हैं, अफगानिस्तान क्रिकेटर्स भी हैं, सारे यहाँ पे मैसेज जमाई भी है। मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे मैं वो वाला श्रीलंका का टैलेंटेड प्लेयर लग रहा हूँ जो बैट से नहीं जाती तो पेट से मार जाए। अफगानिस्तान टीम के नवीन साहब बैठे, एक सवाल है जो सब पाकिस्तानियों का, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। शाहिद अफरीदी ने क्या बोला था आपसे? अस्सलाम वालेकुम मौजूद खवातीन और हजरात, एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त स्टार क्रिकेटर फखर जमान खब्बा और मतलब छक्का यस यस यस, हमने उन्हें बताया कि हम आए हुए सवाद कलाम माउंटेन, उन्होंने कहा कि मेरे पास से आपने होके जाना है। फखर भाई की यहाँ पे क्रिकेट एकेडमी भी है, अभी फिलहाल वहाँ जा रहे हैं। हाँ भाई जाफर यार, क्रिकेट का फखर है और वो पूरे मुल्क का फखर है फखर भाई। तो क्रिकेट से कोई दिलचस्पी या कोई मामला? बस इनकी बैटिंग देख के मैं फिर चला जाता हूँ ट्यूशन। अच्छा, तो आप अंपायर भी थे? अंपायर भी था मैं पहले, ऐसे आउट दे देता था। देखिए जी क्या सादगी में रहते हैं, मैं दिखाता हूँ इनका गांव। भाई क्या सादगी है, भाई क्या सादगी है, कहाँ कहाँ से टैलेंट पाकिस्तान का निकल के आ रहा है, यू नेवर एक्सपेक्ट। भाई आ गए ना, ये आ गए ना जमान सन। भाई यही है जमान, इसमें खेल रहा हूँ सब। कोई मार्ट आ गया जमान सन्स के नाम पे। जमान सन्स बहुत लोग छक्के मार रहा है माशाल्लाह, बिजनेस फोन कर लो भाई, बैल जा रही है, बैल जा रही है, बैल जाती नहीं है जाता है। हेलो वालेकुम सलाम भैया, ये आपके जमान सन्स में खड़े हुए। अस्सलामुअलैकुम मेरा भाई, उमरा मुबारक। उमरा मुबारक बहुत बड़ा सर, बहुत बड़ा सर। ये वो अहमद बहुत बड़ा सर वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। रेहान जमान बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सब हमारे मुस्तकबिल के सरमाया हैं। मेरी अभी फखर भाई से यही बात हो रही थी कि इसकी ज़्यादा डेडिकेशन से माशाल्लाह बच्चे काम कर रहे हैं, स्कॉलरशिप मिली हुई है, स्पॉन्सर किया जा रहा है। बस मेहनत करो, दिल लगा के आगे बढ़ो, नाम बनाओ, जैसे ये हमारा हीरो है, ये रोल मॉडल है आपके लिए। ये छः जो है ये ठीक है, ये छः के छः और 16 वाले कौन कौन है? अच्छा ये अंडर 16 के और बाकी जो है ना ये अंडर 19 के। खप्पा कौन कौन है इनमें से ये मुझे बताएं। लेफ्टी कौन कौन है? 1 2 3 4 5 बाकी सारे राइट हैंडर है। यहाँ पे अंडर 19 से ऊपर कोई भी नहीं, ये सब जो हमने अपने लड़के लिए हैं ना ये सब अंडर 19 है, 19 से ऊपर कोई भी नहीं। ये अंडर 13 है, इनका हमने प्लान बनाया हुआ 3 साल का, ये नहीं है कि ये 1 महीने 2 महीने का प्लान है, इनका 3 साल का प्लान है, लंबा प्लान है। ये बाइक है ये ब्रेकर है वो, ये दो ऑफ स्पिनर है, एक ये और एक वो। फखर भाई को कौन कौन आउट करता है? सारे आउट करते हैं। अफगानिस्तान का फास्ट बॉलर आपने नाम सुना होगा, नवीन हक, वो है। ये विनाइल है क्योंकि यहाँ पे तो ट्रफ बन नहीं सकती, इस पे ये है कि इस पे बाल ज्यादा बाउंस नहीं होता जिस तरह नॉर्मल ट्रफ विकेट पे आता है ना, इस पे उस तरह आता है बिल्कुल जिस तरह विकेट पे बॉल आता है ना नॉर्मल रिजल्टेंस है ये। हाँ, ये हमने ये किया ना कि हमने इस किस्म का वो किया, अब जैसे जिस विकेट पे ग्रास नहीं होता तो एसी दिखती है नॉर्मली ना, तो ये विनाइल कहलाती है। विनाइल कहलाती है, ये बॉलिंग मशीन वाली विकेट, ये बॉलिंग मशीन लगी हुई है। अच्छा, स्पिट की बॉलिंग है ये, 160 तक बॉल, 160 अभी ये हमने 99 पे लगाई हुई है। सही है, सही है।
देखिए ये लाइट जब ग्रीन होगी ना तो फिर ये रेडी हो जाएगी। अभी ठीक है, गोली चलो। आप देखिए ये क्या स्पीड है, ये भी 91 माइल, ये शुभ तरह से नहीं 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 वो तो 100 प्लस है और बाकायदा सॉलिड बॉल है। ये 99 ये देखो ना, ये फास्टेस्ट है। देखिए ये देखिए और कराची से भी मेहमान आ रहे हैं, अफगानिस्तान क्रिकेटर्स भी हैं, सारे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हेलमेट उतार। अच्छा ये वही पाकिस्तान की टीम के है, उसी स्टैंडर्ड के हेलमेट है, इसमें मिक्स है ना, मिक्स है ये। अच्छा जी ये फखर जमान अकेडमी की लाभ और हमारी मलाकड़े की अकेडमी, आपको क्या बता रहे हैं, मलाकड़े की आपके आने से हो गई। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये दुनिया मुंह यूं धोती है, आप यूं धोते हो। मैं वो वाला श्रीलंका का टैलेंटेड प्लेयर लग रहा हूँ जो बैट से नहीं जाती तो पेट से मार जाती। क्या बात है भाई। अच्छा ये एग्जैक्टली जगह क्या है, क्योंकि बहुत बिजी रोड लग रहा है। यहाँ का क्या सदर है, कैंट है, क्या है इलाका कौन? बस मेन जो सिटी है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सही काले चौक इसका नाम है, जीरो पॉइंट आप इसको बोल रहे हैं, सामने यूनिवर्सिटी है ये मरदान, जीरो पॉइंट इसके नहीं नहीं इसको इसका नाम है कॉलेज चौक, कॉलेज चौक। ये अगर आप मरदान कहीं से भी एंटर होते हैं तो ये जो है ना ये एंट्री पॉइंट है। अच्छा ये बहुत छोटी है, ये बच्चों के लिए ना, हमारे इसमें ये 7 साल के 8 साल के बच्चे लेकर आने वाले हैं उनके लिए। अच्छा फखर भाई एक सवाल है, एक जब भी कोई प्लेयर आता है मैं तो नहीं, जैसे ये विकेट है वो आया, ये क्या 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 ये क्या कहता है? ये भी आप जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, हाँ। तो अभी आप नीचे तो नहीं देखते ना, आप सामने देखते हैं, ये भी 3 विकेटें होती है, ये ऑफ स्टम है, ये मिडिल स्टम होती है, ये लेग स्टम होती है, तो उसकी सीट में ना वह लगा देखे, अगर जिसने लेग स्टम लेनी है तो यहाँ रखेगा, मिडिल लेनी है तो यहाँ रखेगा, जैसे मैं लेता हूँ मैं ऑफ स्टम लेता हूँ तो मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, बिल्कुल विकेट कवर कर लेगा, ये विकेट कवर करते ना बैट्समैन ने कड़ा काम होता है, ये तब तब लेते हैं। चलो ये भी एक गुत्थी सुलझी है, ये ना ये जगह ये स्पाइक्स होते हैं, ये तो विकेट तो आम मिट्टी मतलब मिट्टी की विकेट होती है ना, तो जब वो विकेट पे ये पड़ते हैं ना तो उखड़ जाती है, तो तब वो जब जो जगह वो उखड़ी होती है ना उसको बल्ले से ऊपर, ये मेरे में थोड़ी बड़ी है, इसका मतलब है ये लार्ज है मेरा, ये जस्ट ब्रीड होते हैं, हाँ ये आते हैं स्मॉल में मीडियम में लार्ज में, जिसको जिस तरह का चाहिए होता है हम उसको उस तरह के। अच्छा वैसे एक बात है, हम नजर आ रहा है ये अक्सर हम सोचते थे कि ये ऑब्स्टिकल इस तरह नहीं होगा ना इस तरह, लेकिन मुश्किल है फखर भाई, देखिए एक आम पाकिस्तानी का सवाल है, ये जो जालियां हैं ये ऑब्स्टिकल लग रही है, अंदर आने ये आपके बाल है, आपने बाल सेट करने हैं यहाँ, अब ये सही है, और तो थोड़ा आप यूं देखें ना, यूं देखना आपको पता है कि बाल अब नीचे होता है जमीन पे, आप देखें आप इतने करीब ना हैं जेब पर बैठे हैं, आप फिर समझ रहे हैं बात, कंगले से क्या जेब काटने, आप खुद ही बैंक रन रोके इधर आओगे, पहले आप जारी रखें। अफगानिस्तान टीम के नवीन साहब बैठे, एक सवाल है जो सब पाकिस्तानियों का, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप बहुत गुस्से वाले लगते हैं हमसे। मैच में तो अलग ही होता है और मैच के बाहर तो सिचुएशन और अपनी का बिहेवियर वो चेंज हो जाता है। और वो शाहिद अफरीदी ने क्या बोला था आपको? नहीं एक क्या बोला था कि ये सब चीजें टीवी पे अच्छी नहीं लगती, तो ये इतनी उसमें बोल दिया था सीनियर। मैं पर्सनल रिव्यू दूँ तो मुझे तो बड़ा मजा आया आपसे मिलकर, माशाल्लाह डाउन टू अर्थ है और बहुत अच्छे हैं। पहले जब मैं देखता था शाहिद अफरीदी को वो आउट होता था ना क्राउड चले जाता था, लेकिन मेरे पत्नी कैसे लोग मैच तो पूरा देखी, शाहिद अफरीदी आउट हो गया तो क्या हुआ, लेकिन जब मैं आपका फैन बना हूँ आप आउट होते मैं शोक के लिए 10 मिनट टीवी बंद कर देता हूँ, फखर भाई ये बाकी आपका बहुत बड़ा डर है, मतलब मैंने आपको एक बात बताई थी आप डक पे आउट हुए पूरा पाकिस्तान आपको क्रिटिसाइज कर रहा है डक पे आउट हुआ, ये मतलब सपोर्ट कर रहा है यार, टच पे क्यों आउट हुआ ये बताएगा, ये तौजी पेश करेगा यार ये हुआ ये हुआ, ये हम टाइम जाया नहीं करते ना, और चैंपियंस ट्रॉफी वाली जो इनिंग है ना वो एक तरफ बाकी सब नहीं। इसमें एक सवाल है, आपकी फेवरेट इनिंग जो आपको लगती है आज वो कौन सी, चैंपियंस ट्रॉफी को हटा
जब मेरा डेब्यू था ना वन डे का, मैं 31 किया हूँ इनिंग बहुत, मुझे बहुत अच्छी लगी 31 डेब्यू में। और बाकी जो जैसे 193 किए थे वो 200 की किया था जिम्बाब्वे के खिलाफ, नहीं नहीं वो 200 है, वो 200 है। वो बंदा गुस्सा आया था जो चीटिंग करके आउट किया था याद है, वो जो डी कॉक ने जो यूं करके बॉल मार दी, पता भाई उस तरफ देख रहे थे बाउंड्री की तरफ, तो उसने यूं करके ना थोड़ा यूं करके जैसे बॉल बहुत दूर है उस तरह करके उसने यूं विकेट मारी, उसको खैर कुछ जुर्माना भी हुआ था। एक आपका वो जो हफीज भाई के साथ हुआ था वो कैश वाला, वो अच्छा मैं इनको एक बात बता रहा था, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, मैं दुबई में ही था जहाँ हसन अली ने कैच ड्रॉप किया, उसके सामने ही बैठा था। मुझे फखर भाई ने एक बात बताई, मैं हिल गया सुन के, बोला ये मेरी फील्डिंग की जाइए खड़ा हुआ था वो हसन अली और शाहीन पाकिस्तान टीम के बेस्ट फील्डर। अच्छा हसन अली बेस्ट फील्डर अच्छा फखर भाई बहुत शुक्रिया आपकी हॉस्पिटैलिटी का, आपके खाने का, माशाल्लाह आपको बहुत मुबारक हो, आपकी एकेडमी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बनी है, लोगों को पता चल ही जाएगा वीडियो में, और इंशाल्लाह आप कराची आए तो हमें भी मेजबानी का मौका देना है आपसे। जरूर नवीन भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, आपसे मिलके मुझे खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये तासुर यह है कि नवीन उल हक बेहतरीन आदमी है, मज़ेदार आदमी है, इंशाल्लाह मज़े, जिंदाबाद।